तो अभी 3:30 बज गए हैं और अभी से व्लॉग शुरू कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, रात तक पूरा खींच देंगे। क्या है, देखो ये जा रही है अपने ससुराल, मायका, मायका जा रही है आज। तो गाइस देखो यार, 3 महीने के लिए ना क्राइम पेट्रोल बंद है और अभी कोई ऐसे शूटिंग वूटिंग आ भी नहीं रही है। ऐसे करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए, वो अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। कैसे आएगा, वही तो बीवी दो डंडे घर से मार भगाएगी, तब जाओ काम करो, तब इंटरेस्ट आएगा। लेकिन तुम भगाओगे तो मैं जाऊंगा कहाँ, काम करने। अच्छा काम रहे तब मैं बाहर जाऊँ। बहुत जल्द अब एक पॉडकास्ट प्लान करने जा रहा हूँ मैं, सारे क्राइम पेट्रोल के एक्टर को पकड़ करके एक पॉडकास्ट करेंगे, जो मैं पहले किया करता था। वो तो ब्लॉगिंग में घुस गया तो सब चीज़ें कम हो गई। देख रहा हूँ माइक वाइक देख रहा हूँ, स्टूडियो भी देख रहा हूँ। खींच रहा है इसका मतलब इतना नहीं खींच रहा है कि घर पे 5 मिनट बना दो। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, नमेश घर पे है तो नमेश तुरंत रेडी हो जाएगा। दिल्ली नहीं है जो इतने मोटे मोटे जैकेट पहन के जा रहे हो। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू। धूप भी खिली है और ठंड भी लग रही है। ऐसा जल्दी होता नहीं है कि धूप भी खिली हो और ठंड भी लगी हो। नमेश आया खेलने के लिए भाई। अरे यहीं उतरो, जल्दी लेट हो रहा है, मुझे जाना है। कितने टाइम से ये ब्रिज बनते दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरे राइडर की ग्रुप जा रही है। तो अभी हम नाला सवारा में हमारी एंट्री हो गई है। वाह, तो अब हम आ गए हैं नाला सवारा के अंदर। पति रिटर्न आए हैं ये गन्ने का जूस पीने के लिए यहाँ पे, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगा। एक 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 देखो, ये वाली पद्धति बहुत सही लगती है, लकड़ी का मशीन है ये। बिना बर्फ पड़े ना, ठंडी में कौन बर्फ पिएगा, गला पकड़ लेगा। नहीं, ये चलता फिरता गन्ना पेरने वाली मशीन है, कहीं भी ले जाइए लगा दीजिए। गांव वाँव में तो आप लोगों ने देखा होगा ये सब लोहे का। पेमेंट यहाँ पे क्यों करे हो? बाप रे, पूरी बिल्डिंग सुन ली, 15 रुपए प्राप्त हो गए हैं। सुना आपने, 15 रुपए प्राप्त हो गए हैं। चुप रहो। गाइस दिस इज नॉट केरला, दिस इज नाला सोपारा। वसाई टू नाला सोपारा के बीच में ये जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो अभी बीच रास्ते में रुक करके हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, वो भी ठंडा ठंडा। अब सीधा पहुंचेंगे सुरभि के भैया भाभी के घर पे और वहीं पियेंगे गरम गरम चाय। भूल तो नहीं लाया वो सामान लेके खड़े हैं तुम लोग, यहीं भरत मिलाप कर रही थी। खाली आप लोग घर में से रद्दियां निकाल रहे हैं, एक रद्दी मैं ले गया, दूसरा रद्दी आज जा रहा है। उनकर का गुरवा छुए रु जो आधी घंटे से आते आते 1 घंटा हो गया। चलो कितने मजो करते हैं जो बाबू ने। मिल गई कैसे, देखो इसको सरमाना नहीं कहते, इसको चुनराना कहते हैं। क्या करा रहे हैं श्रेसी के सलून में? श्रेसी क्या क्या करने वाली हो फूफा जी? फूफा जी की चोटी बना रही श्रेसी। कल है एक्चुअल खिचड़ी और बच्चों को पतंग दिलाने में ना जो मजा आता है, अभी श्रेसी को चाह रहा है पतंग दिलाने। वाह, ये बड़ी बड़ी पतंगे हैं। वारंटी पीस है, 20 पीस। इसको क्या, इसको कौन सा पतंग बोलते थे जो यहाँ पे कांडी होता है? हम लोग डॉग बोलते थे, डॉग बारेली। ये देखो स्पाइडरमैन, मिनियंस मिनियंस मिनियंस। तो गाइस अभी हम लोगों ने पतंग खरीदी है और तो अच्छी बात ये है कि जो चरखी खत्म हो गई। अच्छी बात ये है, इतनी ठंडी, मतलब मुंबई में मैंने गांव वाली ठंडी का फीलिंग लिया है आज। मुंबई में पहली बार मैं इतना ठंडा महसूस कर रहा हूँ कि हाईवे पे बाइक चलाने से ये पूरा हाथ एकदम जम गया। टाइम क्या रहा है बताओ। सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे। देखिए आज है एक्चुअल मकर संक्रांति, मतलब 14 से चालू है और बहुत लोग 15 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैडम जी भी नहीं आई है तो हमें ही ये झाड़ू उठाना पड़ रहा है। पोछा तो नहीं मार पाएंगे, झाड़ू ही मार लेते हैं। और देखिए मैडम जी नहीं आई तो सुरभि भी काम पे लगी हुई है, पता है इसको कि आज सारा काम हमें खुद ही करना है। तो बस ये साफ सफाई करने के बाद उसके बाद हम करेंगे पूजा आज। अरे बाप रे, इतना बड़ा है,
इधर ही अनबॉक्सिंग हो जाएगी। तो अभी नया मंदिर आ गया है, लेकिन इसके ना ये गेट का कुछ काम बाकी है। ये मैग्नेट बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, खुल जा रहा है। तूने मंदिर मंगाया? सच में? हाँ। हाय, तूने मंदिर मंगा दिया? हाय हाय, अच्छी बात। तुम्हारे चॉइस कभी कभी अच्छा लगता है। कि ये पेंट किया हुआ है, देखो ना, फिनिशिंग अच्छी से नहीं है। छुआ नहीं, छुआ जल्दी, इसको ऐसे कर मिक्स कर दो। मिक्स कर दो सब? नहीं, ये है तुम्हारा। तो कितनी बार छुना है? 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। मेरा हुआ नहीं, 5 बार पैर पढ़ना होता है। पढ़ो ना, पढ़ते रहो। और ये देखो, जो ये हमारे अन्न देवता है, दाई अग्नि में डाल के स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देखो, जितना जितना आए उतना करो, जितना ना आए उतना जो है सॉरी बोल दो, भगवान जी भूल चूक माफी। तो ये सब जो है फेस्टिवल हम लोग फैमिली के साथ करते थे। तो भाभी मायके में है, भैया लखनऊ गया है, पापा मम्मी गांव में है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है ना जिसके कई नाम हैं। हमारे यहाँ तो खिचड़ी बोलते हैं, बाकी यूनिवर्सल मकर संक्रांति बोलते हैं, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। बाकी आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप बताइए कि आपके यहाँ इसे किस नाम से बोलते हैं। देखो, हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो इसी में सब खाते थे, लाई वाई सब डाल करके। और आज के दिन तो नाश्ता वास्ता कुछ मिलता ही नहीं था, बस यही लाई चूरा गट्टा, एक एक कुरुई लेकर बैठते थे खाने के लिए, और सारा दिन बस यही चबाते रहते थे, लाई चूरा गट्टा तिलवा। बिहार में होते तो तिलकुट मिलता, हालांकि तिलकुट यहाँ भी है, लेकिन इतने सारे आजकल वैरायटी आ गए हैं ना कि आदमी क्या क्या खरीदे। आज पूरा दिन यही खाना है। अच्छा, ये कौन बोला? और शाम को खिचड़ी, अभी खिचड़ी खाते हैं। और ये जो कुछ आया है ना, जो वहाँ पे चढ़ा है, वो सब पंडित जी को दान दिया जाएगा। सॉरी, शाम तक लगता है पिटाई खाओगे तुम। बचपन में मैं भी ऐसा ही था, फिर जहाँ मम्मी से 2 डंडा खाता, बस शाम तक बुद्धि ठीक हो जाती है। तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कोई जान के गिराता है। तो अभी पंडित जी को खिचड़ी का दान देने आए दक्षिणा। ऐसे कैसे देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ना आपको पेटीएम करो, 500 रुपये कैश दे देंगे। पता नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, अभी सुबह सुबह कहाँ आया। कितना आपको पेटीएम किया मैंने? गाइज, हमने बहुत ट्राई किया 500 रुपए कैश पाने की। सारे चीरकुट थे। मैंने आपको देखा था दुकान पे, आपने आपको देखा नहीं। अच्छा, तभी फोन कर रही थी क्या? अरे रुको भाई, रुको रुको रुको, कहाँ? अरे इसको तो पहले ऊपर कर लो, नहीं तो दिखेगा नहीं, चलोगी कहाँ? तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है मकर संक्रांति और सारे फैमिली यहाँ पर गेट टुगेदर हुई है मेरे सिस्टर के यहाँ पे। यहीं पे खाना पीना सब कुछ हुआ है, सारे बच्चे लोग इकट्ठा हुए हैं, बच्चों को देख करके मज़ा आ गया। आज जो है मेरी भांजी जा रही है आउट ऑफ इंडिया, उसका सब कुछ वहीं पे सेटल हो गया मामला। और ये वही भांजी है जिसको आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा था, जिसकी शादी का ब्लॉग मैंने बनाया था आज से बस कुछ ही महीने पहले की बात है, नवंबर में शादी हुई थी। इसको लग रहा है कि ये भी जा रही है, चश्मा से पहले कूद रही है कि मैं भी जा रही हूँ। नया गाइडलाइंस आया है कि 5 घंटा पहले पहुंचना है एयरपोर्ट पे। तुमने बनाया है नया गाइडलाइंस? वो जो भी गाइडलाइंस आए, हमको 2 घंटा जोड़ के ही आना है। यहाँ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि पूरा परिवार जो है एक साथ जो है सी ऑफ करे एयरपोर्ट के बाहर। इंडियन फैमिली जिस तरीके से इकट्ठा होती है, मतलब जाने वाले 1 होते हैं और छोड़ने वाले 10 होते हैं। मैं भी जाऊंगा, पिछली बार नहीं गया था। ए सुनो, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा और चांदनी जाएगी, जीजा जाएंगे। अगर ज्यादा ज्यादा बोलोगे चांदनी तुम भी नहीं जाओगी। चांदनी भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। गाइस, अभी तक फैसला हो रहा है कौन कौन जाएगा। जाने वाले 1 है, छोड़ने वाले पूरा घर है। मैं तो जाऊंगी। तुम्हारा पक्का है ना? मैं चलूंगा। पापा मैं चलूंगा।
कहाँ जाओगे छोटे बच्चों को लेके, कहाँ कहाँ जाओगे? पहले से कैंसल है।